वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जनाब आज सैटरडे है यानी कि आप लोग छुट्टी मनाने वाले हैं। मेरी भी छुट्टी होने वाली है लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग्स भी होती है। जनाब प्लानिंग्स अमूमन सैटरडे को तो की जाती हैं लेकिन सैटरडे को कोशिश होती है कि ज़रा लेट सोया जाए तो फिर आपने सुबह जल्दी उठना भी नहीं होता है। लेकिन आम रूटीन में अगर आपने जल्दी उठना है तो आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जो आप थोड़ी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए सुबह जल्दी उठने के लिए। तो जनाब आपकी कुछ लोगों की तो हैबिट होती है कि वो जल्दी अर्ली राइजर होते हैं लेकिन कुछ लोगों की थोड़ी होती है सुस्ती वाला आलम। जैसे मुझे आदत है सुबह उठने की लेकिन अगर आप संडे को या रात को सैटरडे को तहैया करके सोएंगे कल संडे और मैंने बड़े सुकून से सोना है लेकिन फिर भी आप एग्जैक्ट अपने टाइम पे 6 बजे आपकी आँख खुल जाती है और आप उठ के बैठ जाते हैं। अच्छा जनाब कुछ ऐसी चीज़ें आज स्टेप्स हम आपको देने वाले हैं कि अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अच्छा जनाब आपने मनसूबाबंदी यानी कि आपने एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है अपने पूरे दिन के लिए। सुबह के लिए बेहतरीन आपने उठने के लिए एक तरीका कि आप प्लानिंग कर लें और एक बेहतरीन नाश्ते का आप ब्रेकफास्ट का प्लान करें कि आपने सुबह नाश्ते में क्या खाना है ताकि वो भी आपको थोड़ी एनर्जी देगा कि अच्छा जब आप सोचेंगे कि मैंने अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। अच्छा वो तो आपने प्लान कर लिया लेकिन उसके साथ साथ फिर आपको पूरा दिन कुछ चीज़ें होती है जो आपको अपने माइंड में रखनी होती है कि आपने अच्छा ये काम करना है ये काम ज़रूरी है। तो आप जनाब कामों के बारे में सोचें कि आपने पूरा दिन क्या करना है जो आपको थोड़ा रिलीफ भी दे रिलैक्स भी करें जिससे आपको खुशी महसूस हो। ये सारी चीज़ें जो है आपने अपने काम की लिस्ट या अपने माइंड में बना लें। कहीं लिख लें कुछ लोगों को हैबिट होती है कि भूल जाते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अच्छा अगर आपको ये आमतौर पर ये सोचा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो आपको बड़ी अच्छी और गहरी नींद आती है और मुकर्रर वक्त पर सोने से ही आप अपनी टाइम पर जल्दी सुबह उठ सकते हैं तो लिहाजा ये गलत है कि आप मुकर्रर वक्त पे सोएंगे तभी आप टाइम पे उठेंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि आपको जब नींद आ रही है बहुत शिद्दत के साथ तभी आप अपने बेड पर जाएं और आपको वैसे फील होगा कि अगर आप थके हुए हैं और आप 5-10 मिनट में आप गहरी नींद में आराम से चले जाते हैं और अगर आप मुकर्रर वक्त से पहले आपने सोचा कि अच्छा इस टाइम पे मैं रोज़ सो जाता हूँ तो आप लेट जाएंगे और आपको नींद नहीं आ रही तो आप अपना टाइम ज़ाया करते हो। उसमें आप कुछ और भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत होती है रात को पूरा दिन आप सोचते हैं तो बेहतर है जब आपको नींद आए तभी आप अपने बेड पर जाएं और रिलैक्स होकर सो जाएं। अच्छा अंधेरा कुछ लोगों को तो बहुत अंधेरे में सोने की आदत होती है कुछ एक आध लाइट जो जला कर रखते हैं लेकिन कोशिश करिए कि अंधेरे में सोने से आपके माइंड भी बहुत जो कहते हैं ना चलाक होता है उसको पता होता है कि अंधेरा हो गया अब मेरे सोने का टाइम है तो आपको नींद भी जल्दी आती है। पानी ज़रूर पिए रात को सोने से पहले और उठने के बाद आपने फ़ौरन से पानी का एक गिलास नारमू लाजमी पीना चाहिए आपको। उससे एक स्किन भी अच्छी होती है और वैसे भी आपके फ़ायदेमंद होती है। फ़ोन बंद रखें बराए मेहरबानी रात को सोने से पहले। कहा जाता है कि 1 घंटा पहले आप अपना फ़ोन जो है वो साइड पर रख दें क्योंकि उससे भी आपका माइंड मुसलसल वर्किंग में रहता है और आपको नींद नहीं आती। और आप कोशिश करें कि एक आप टाइम रख लें जिस पे आपने उठना है ताकि आपका पूरा दिन अच्छा। जो लेट राइजर्स होते हैं मुझे लगता है उनके पास दिन कम होता है मार्जिन कम होता है तो अर्ली राइजर्स को एक प्लस। मुझे पता है कि मेरे पास इस शो के बाद बहुत सारा टाइम होता है जिसमें मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ। मतलब मैंने कहीं जाना है घर जाना है घर पर कोई काम है किसी कोई एक्टिविटी है तो अर्ली राइजर होने का ये प्लस पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होता है कि आपके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने पूरे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इवन आप मैं चाहूँ तो मैं पढ़ भी सकती हूँ अगर मुझे कोई क्लासेज अटेंड करनी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो जनाब ये तो थी चंद टिप्स जो हमने आपको बता दी कि आप थोड़ी बेहतर नींद के लिए क्या कर सकते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल एक बड़ा मेजर इशू आ रहा है वो ये कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। अगर आप अपने बच्चों को आईसाइट जो है वीक होने के रिस्क से बचाना चाहते हैं कुछ तो चीज़ें जेनेटिक होती हैं कुछ हमारे लाइफस्टाइल फ़ोन का इस्तेमाल टीवी का इस्तेमाल ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो फैक्टर्स ऐड हो चुके हैं तो लिहाजा कोशिश करें कि अपने बच्चों को इन तमाम गैजेट से दूर तो आप किसी भी सूरत नहीं रख सकते लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन या टाइम लिमिट कर दें तब उनके लिए चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी। और इसके साथ साथ जनाब उनको फिज़िकल एक्टिविटी आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़रूर आप इन्वॉल्व करें क्योंकि जो इम्पैक्ट आपका आता है ना वो बाहर खुले फिज़ा में खेलने से या घूमने से इवन बच्चों को आप ग्रीनरी के पास भी लेके जाओ जो उनकी सेहत पर या उनकी जो जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा उस पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आजकल के बच्चे बंद कमरों में टीवी देख रहे हैं फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनकी जो मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ है उस पर असरअंदाज हो रही है ये हम माने या ना माने। रिसर्च ये कहती है कि बच्चे को जितना आप ज़्यादा और धूप
धूप में जाने का तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एक तो पहले धूप आती नहीं है, आ भी जाए तो उस तरह के विटामिन डी कितना ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमें समझने की ज़रूरत है। डिफिशेंसीज फॉर द लॉन्गर रन बहुत ज़्यादा हो जाती है, वरना हम खुद धूप में नहीं जाते, ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस से घर चले जाते हैं, घर जहाँ धूप नजर आए हम अपनी बचाते रहते हैं, काले ना हो जाएं, ये मसला ना हो जाए। तो लिहाजा बाहर की एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के साथ ज़रूर इन्वॉल्व करें, ग्रीनरी से उनको जो कह लें आप उनको एक्सप्लोर कराएं, एक्सपोज कराएं, ताकि ये सारी चीज़ें जो है बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। चले जनाब आपके साथ रिसर्च हमने शेयर कर ली, अब ज़रा हम आपके साथ सुबह सुबह योगा की बात कर लेते हैं। योगा बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, ये तो बार बार हम कहते हैं, और अर्ली मॉर्निंग के लिए आपके लिए बेहतरीन एक चीज़ है। ओबेसिटी, आपकी पेन, जॉइंट पेन है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो हमें योगा के ज़रिए पता चल जाते हैं कि क्योर हो जाते हैं। आज हम ओबेसिटी को डिस्कस करने वाले हैं कि जो ओबेसिटी है उसको किस तरह से योगा के ज़रिए क्योर किया जा सकता है, उसके लिए हमारे पास योगा एक्सपर्ट है सलाफे नकवी। वेलकम टू द शो सलाफे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं आपके। मैं बिल्कुल ठीक। सलाफे आज क्या बताने वाली हैं आप? आज चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी और हम थोड़ा सा स्ट्रेस को लेकर भी चलने वाले हैं ओबेसिटी के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के जो रूट कॉज है वो स्ट्रेस है। और रिसर्च बताती है कि 2020 में दूसरी बड़ी बीमारी जो होगी वो स्ट्रेस होगी। सही। और अल्लाह ना करे कैसा हो, लेकिन यह कि अगर आपको पहले ही ये चीज़ पता चल रही है तो हमें इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रिकॉशन जैसे कि कोई चीज़ करनी चाहिए। सो आज हम एक तो मेडिटेशन बताएंगे क्रिस्टल के ज़रिए, अगर आपके पास क्रिस्टल है, या आप कलर पे फोकस भी कर सकते हैं जो कलर मैं बताऊंगी, उसके साथ आपने मेडिटेट किया ताकि आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो, दोबारा वही बात कि एंडोर्फिन रिलीज़ हो ताकि आपका स्ट्रेस दूर होगा, और उसके बाद फिर आपका जो वेट रिडक्शन में प्रॉब्लम, कई दफ़ा स्ट्रेस की वजह से भी वेट स्टक हो जाता है तो वो रिड्यूस होना शुरू हो। और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमारे पास अगर मैट नहीं है या हम घर पर बैठे हुए हैं तो बताओ कि कोई भी ऐसा प्रॉप हम यूज़ कर लें वो क्या चीज़ है। तो मैं आज चेयर के साथ उसकी हेल्प से भी हम एक्सरसाइज बताएंगे जो कि इंटरेस्टिंग भी होगा कि चेयर के साथ आप किस तरह उसको यूज कर सकते हो एक्सरसाइज के लिए। हाँ, बहुत से लोग खड़े होकर नहीं करना चाहते, चेयर पे बैठे बैठे अगर आप बैठ कर करना चाहते हो, या अगर आपको ये फील ही कराने चले मैं फिजिकल एक्टिविटी करने लगी हूँ या करने लगा हूँ, तो आप साथ इसके खड़े हुए और हम वो आपको बताने वाले हैं। तो हम अपनी जगह पर जाएंगे उस तरफ चलते हैं। जलाफे क्या बताने वाली हैं आज आप हमें? सो यहाँ जैसे चेयर नजर आ रही है जी, चेयर के पास हम आकर खड़े हो गए। अब इसमें करना है कि आपके पास सोफा है, चेयर है, या कोई सपोर्ट है या दीवार है, तो आपने उसके साथ अपने एक हाथ को रखा। क्यों? अगर ओबेसिटी या कोई भी ऐसी चीज है तो बैलेंस शुरू में, अगर ओबेसिटी नहीं भी हो तो बैलेंस नहीं होता। तो आपने इजीली क्या करना है, आप खड़े हुए अब इस पर बैलेंस रखना है, इस हाथ पर थोड़ा सा आपको वजन डालना होगा, ज्यादा नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ये लेग रेज करेंगे। अच्छा, अब आपको काउंट करना है, तकरीबन बिगिनर भी हैं तो 15 तो काउंट करना है, ये 15 टाइम्स आपको ये करना होगा, इससे कम नहीं करना, अदरवाइज फिर रिजल्ट नहीं आएगा। सेम उसी तरह आप अपनी लेग स्विच कर लोगे। अब इसी के साथ चेयर को यूज करते हुए सेकेंड एक्सरसाइज क्या होगी? अच्छा, एक होता है स्क्वाट, लेकिन स्क्वाट हम थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने वाले हैं। आप अपनी लेग्स को वी शेप में लेकर आएंगे, वी शेप में, और इसको आपने यहाँ अब आपने बैठना है इसके साथ। अब जिनको बैठने में इश्यू होगा उनको पता होगा कि मेरा लेवल क्या होना चाहिए, उसके साथ आप बैठे और उठ गए। अब यहाँ आपको पता होगा, खुद को आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास एज है। अगर आप वैसे स्क्वाट कर रहे हो ना, आप कंट्रोल लूज कर जाओगे। अब यहाँ आपके पास कंट्रोल है फुल आपके पास, क्योंकि आप चेयर यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज जो आपके लोअर टमी को भी टारगेट करे, समटाइम्स आपका लोअर टमी का फैट जो होता है वो रह जाता है, तो उसकी दो वेरिएशन है। एक तो आप अपनी नी को रेज करेंगे, सेम इसी तरह सेकेंड, थर्ड, आप तकरीबन इस पर भी 15 काउंट कर लें, रेस्ट लें। अब उसकी वेरिएशन पर आ जाते हैं, हाथ आपका यहीं पर रहेगा, आपने इसको रोटेट करना है ताकि आपका लोअर टमी टारगेट हो। आपने नी रेज की, रोटेट, अब जब वापस आ रहे हैं इनवर्ड्स, राइट। अब ये एक्सरसाइजेज हैं जो आप चेयर के साथ कर सकते हो। अब मेडिटेशन जो हम बताने चाह रहे हैं कि मेडिटेशन ऐसा क्या, क्रिस्टल के साथ क्या होता है? क्रिस्टल के अंदर भी सेम उसी तरह एनर्जी है जिस तरह हमारे अंदर एनर्जी होती है, फ्रिक्वेंसी होती है इनकी डिफरेंट। अब यहाँ पर मेरे पास तो 3 क्रिस्टल पड़े हुए हैं और ये बड़े कॉमन है, मिल भी जाते हैं आसानी से आपको। ये एमेथिस्ट है और क्लियर क्वार्ट्ज़, या ये एमेथिस्ट का मेरे पास बड़ा क्रिस्टल पड़ा है बिकॉज आई लव क्रिस्टल्स और क्रिस्टल हीलर हूँ, तो इस वजह से। अच्छा, मैं क्लियर क्वार्ट्ज़ इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि आपको कोई कलर का इशू ना हो। वाइट कलर है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको हाथ में होल्ड करना है, बट आपका फोकस इसमें ज़रूरी है कि आप मेडिटेट कर रहे हो। अब आपने क्लियर क्वार्ट्ज़ रखा अपने हाथ में, अब मेडिटेशन आप शुरू, ये हाथ यहाँ रखें या जैसे भी, इनहेल एंड एक्सहेल। फोकस आपका इस स्टोन पर उस टाइम होगा, क्रिस्टल पर। क्या कर रहे हैं हम, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ये आपकी ओबेसिटी को
ये कम करने में आपकी मदद करेगा क्योंकि आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। अगर आप एमिथिस्ट सेम इसी तरह से यूज करते हो तो आप इसके कलर पर ज्यादा फोकस करेंगे और इस रिलैक्स हो जाएंगे। अब मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही थी बहुत सारे लोगों को कफ है, फ्लू है, अगर इस टाइम मेरे पास स्टोन होता मैं आपको वो दिखाती। वैसे आप येलो कलर का जो क्रिस्टल होता है सिट्रीन उसे कहते हैं, तो येलो कलर का होता है सोलर प्लेक्सिस के लिए, वो ओवरऑल आपको हील करेगा। अगर आपके पास ब्लू कलर का स्टोन है, ब्लू कलर कोई भी स्टोन, तो वो आप अपने गले पर या तो रख सकते हो या उसके साथ मेडिटेट करो और ब्लू के बारे में सोचो। एक तो नींद भी अच्छी होगी। अच्छा, जो उनसे स्टोन आपने हाथ में पकड़ा उसके बारे में आप सोचो कि इसके कलर के बारे में सोचो, क्यों आपको अलाइन करना होता है कहीं ना कहीं इसके साथ। अब जाहिर है हर चीज के अंदर कोई ना कोई एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, तो आप अगर लो भी फील कर रहे हो ना कभी एक्सरसाइज के बाद भी, तो आपने पकड़ा। इस मेडिटेशन का कोई ऐसे टाइम नहीं कि इस टाइम करना है, आपने 2 मिनट्स का चाहे अलार्म लगा ले और सिंपल इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत सारे लोग अपने इन कुछ एरियाज पर इसको रखते हैं, चक्रास पर इन स्टोन्स को, तो अगर आप चाहें लेट कर आप इसको यहाँ रख सकते हैं, या ब्लू कलर का स्टोन है तो यहाँ रख सकते हैं, इससे हीलिंग होगी। अब तीसरी चीज जो हम बताने वाले थे कि ये मेरे पास बॉल क्यों पड़ा हुआ है, बॉल इसलिए है कि आपको सपोर्ट मिल जाए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको कई दफा इमेजिन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, मैं कहूँ कि यहाँ वेट है, इसका वेट बिल्कुल नहीं है। कोई भी आपके पास पिलो या कुशन हो, हमने पहले भी बताया था बिगिनर्स रशियन क्रंच इसे कहते हैं या रशियन ट्विस्ट होता है, इसको करने के लिए या तो आप अपनी लेग्स ऐसे रखेंगे या आप इसको उठा सकते हो, आपने एक वेट शिफ्ट करना है। अगर ये इसके बगैर होगा तो ये सिंपल एक वेट शिफ्ट करने के जैसा होगा, लेकिन ये बैलेंस करने शुरू में बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आप अपनी लेग्स को नीचे भी रख लेना। सिर्फ आपका ये पोस्चर सही होना चाहिए जहाँ आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, आपको लगेगा अनकंफर्टेबल होना है, बेसिकली होना है, क्योंकि आप शिवर करना शुरू कर देंगे अगर यहाँ होंगे ना, इट्स वेरी इजी। अब आपने यहाँ आना है कि बिल्कुल आपका जो 45 डिग्री का एंगल बने और यहाँ पर आपने इसको वेट को शिफ्ट कर दिया। क्यों? बेली फैट का और कहीं ना कहीं लव हैंडल्स का भी बहुत मसला होता है। अब लव हैंडल के लिए योगा में ही सबसे इजी एक्सरसाइज है जो मैंने बहुत सारे लोगों को करवाई, उसका रिजल्ट भी आता है। बाजू का भी हम अक्सर कहते हैं ना, वो साथ ही वो टारगेट होंगे, स्टार इसे कहते हैं। आपने इसको अपने जो बाजू हैं इस तरह रखें, लेग्स को जितना आप वाइड करना चाहते हैं किया, अब इनहेल करते हुए आप एक साइड पर गए, जितनी आपकी स्ट्रेच है लव हैंडल्स बजाएंगे, स्ट्रेच भी इससे बैक की जो है सही हो जाती है। अब यहाँ आपने अपना सांस रोका कुछ सेकेंड्स के लिए, एक्सहेल करते वापस आए, इनहेल एंड सांस रोकने के बाद दोबारा आप एक्सहेल करते हुए जब वापस आओगे आपको फील होगा कि आपके बाजू में और यहाँ पर वाकई स्ट्रेस था, जिस वजह से रिजल्ट आएगा। एक तो लव हैंडल जिन्हें हम कहते हैं जो यहाँ पे बल्जेस बने होते हैं वो, और आपके बाजू वगैरह वो, उनमें आपको काफी फर्क पड़ता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा सलाफी, समटाइम्स बहुत ज्यादा ओबेसिटी में आपका बैलेंस आपके थाइज और आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा प्रेशर हो तो आप फील करते हैं और फिर आप एक्सरसाइज से भाग जाते हैं, तो उसके लिए भी बताओ कि जिससे आपने चेयर के साथ बताया कि आपको एक सहारा मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग चेयर के साथ या सोफा के साथ भी बैलेंस, क्योंकि ओबेसिटी तो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो सबसे आसान में से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वाकई आप लोगों को काम करने का या शो करने का, एक्सरसाइज करने का भी उन लोगों के साथ फन होता है। जो लोग वाकई इस बारे में क्वेश्चन करते हैं उनको नॉलेज भी होता है। ये क्वेश्चन वाकई मुझे पसंद आया। अच्छा, अब इसमें ये है कि जिनको जॉइंट का इशू, वाकई उनका बैलेंस नहीं होगा तो आप चेयर नहीं यूज करेंगे, आपके लिए गुड न्यूज है कि आप चेयर नहीं यूज करने वाले। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन आसान फिर भी हम आपके लिए बना देते हैं कि शुरू में आपके जो लेग्स हैं वो यहाँ तक नहीं आती, क्योंकि आपको रखना यहाँ तक आना है और यहाँ आपके हाथ होंगे, लेकिन अगर शुरू में आप इतना भी कर पा रहे हो दैट्स फाइन। अब जॉइंट के लिए कि बैलेंस आप में किस तरह से आएगा, या बैक का पेन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब बैलेंस भी आए और आपका टमी भी टारगेट हो, हम एक कोबरा बताते हैं जो स्टैंडर्ड कोबरा होता है, लेकिन उसमें हम एक ईजी चीज़ बता देते हैं कोबरा के अंदर जो आपको इंटेंस भी लगेगी लेकिन आसान होगा फिर भी इसको करना। आपसे जितनी भी आर्ट्स बने आपने बनाई, हाँ ये तो बेहतरीन है आपकी डबल चिन के लिए। यस, डबल चिन के लिए, क्योंकि आपको अपनी नेक जो है पीछे लेकर जानी है। अब आपकी बैक में पेन है, हाँ तो आप नहीं कर सकते, आप साइड पे देखेंगे। अब जितना इजी हो सके इसमें खुद को प्लीज बहुत ज्यादा पुश नहीं करना, जितने आप कंफर्ट जोन में रहकर कर सकते हैं। जब आप बिगिनर लेवल से हट गए तो लास्ट इसकी जो चीज होगी वो ये होगी, आप अपनी नीज को रेज करेंगे, आपको यहाँ स्ट्रेस आता हुआ फील होगा अपनी बैक पे, जिसकी वजह से आपको जो बैक के इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आप उठे, सही एंड रिलैक्स। सो ये एक्सरसाइजेस है, और दूसरा ये कि इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी एक्सरसाइज बताई जाए उन्हें ट्राई जरूर करें।
क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आज तक ये चीज देखी है, मैं लोगों को वो चीज रिकमेंड करती हूँ जो मैं खुद ट्राई करती हूँ. अब लोग कहते थे अच्छा वेट ट्रेनिंग का थोड़ा बहुत तुम बता रही होती हो, मैंने कहा क्योंकि मैंने खुद भी शुरू की और ट्राई भी की, और वही चीजें बताऊंगी जो आसान होंगी, आसान होती है. और इसीलिए आज चेयर के साथ जो चीज बताई है, चेयर ऑब्वियसली सबके पास है, और ये चीज अगर आपके पास नहीं भी है, पिलो कुशन और क्रिस्टल इजीली मिल जाते हैं. इसको जरूर आप अपनी लाइफ में इसलिए लेकर आए कि स्ट्रेस रिलीज हो. स्ट्रेस की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, मैंने बताया कि रिसर्च बता रही है कि 2020 में दूसरी बड़ी बीमारी स्ट्रेस होगी. तो ये नहीं कि रिसर्च को हम अब पता है ये होना है अब तो ये होगा, नहीं, हो सकता है कि हम तो खुद उसमें शामिल ना हो. तो स्ट्रेस को रिलीज कर दें, आपकी ओबेसिटी वगैरह कम हो. और मैंने ये देखा है कि हर चीज की रूट कॉज जो है स्ट्रेस का, क्या इलाज बताएंगी? स्ट्रेस का इलाज सबसे ज्यादा ब्रीदिंग का एक पैटर्न बता देते हैं आसान सा. और ओबेसिटी के लिए जो हम पहले प्रेशर पॉइंट भी बताते होते थे, तो आज उससे पहले एक प्रेशर पॉइंट भी बता देते हैं. प्रेशर पॉइंट ये होता है कि आपके जो जो यहाँ कान है उसके यहाँ पे जो ट्राइंगल टाइप बनता है उसको आपने प्रेस करना होता है एंड से. ठीक है, ये कोई भी कान, लेफ्ट या राइट कोई भी. अब ये जहाँ आपको इजी लगे आपने उसको प्रेस करना शुरू कर दिया. और एक तो आपको हमने जैसे कहते हैं वो रटवा दिया है मैंने ये वाला, क्योंकि मुझे बहुत सारे अक्सर लोग देख के ना ये कहते हैं कि यही है और ये वाकई वर्क करता है. ये सच है. सो अब स्ट्रेस की बात करें, अब क्रिस्टल की चूंकि बात हो रही थी, आज क्रिस्टल ही हाथ में रहेगा कोई भी जो आप इजीली पकड़ सकते हैं. नहीं भी है दैट्स फाइन. आपने क्या किया, इनहेल पूरा सांस भरा आपने अपने टमी से, राइट, इनहेल एंड एक्सहेल अगेन इनहेल, ये 30 टाइम्स आप करेंगे एंड एक्सहेल. Inhale from your nose and exhale through your mouth. Lovely. और मेडिटेट करते हुए फोकस आप उस चीज पर कर सकते हो जहां भी आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो. जब भी आप मराकबा, योगा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ये आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो है वो आपको अलाइन कर रहा होता है. तो आपका फोकस इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है किस मसल पे आप काम कर रहे हैं. अब हम ज्यादा स्ट्रेस के लिए कर रहे थे, तो जब आप सांस ले रहे हो तो सांस को आपको फील करना है कि टमी से यहां तक, सही, एक्सहेल. अच्छा, इसके अलावा बच्चे भी इस तरह का योगा कर सकते हैं क्योंकि ओबेसिटी बच्चों में भी बहुत ज्यादा है. बल्कि बच्चों को 7 साल की उम्र से, हम ये कहते हैं 7 साल की उम्र से मेडिटेशन पर लगा दें. क्यों? उनके जो भी रूट कॉज में बात करूं कि स्ट्रेस रूट कॉज है. अब आपने मेडिटेशन पर उनको लगा दिया, बच्चों को ज्यादा स्ट्रेचिंग, उनकी तो स्ट्रेच पहले ही सही होती है, हम जब बड़े होते हैं ना हमारी स्ट्रेच कम होने शुरू हो जाती है. तो बच्चों के पास एज है तो वो किसी भी एज के हों जब आपकी बात समझ सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा उन पर बोझ नहीं डाल सकते. मैं तो कहती हूँ बच्चों का जो इतना बैग होता है वो भी इतना बोझ है कि उनकी हाइट में प्रॉब्लम आ रहा है, अब उनके पोस्चर में प्रॉब्लम है. लेकिन आप उनको एक्सरसाइजेस करवा सकते हो. और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होती है ना, जो हमेशा जब उनको बताई भी जाए, हम चिढ़ते होते थे लेकिन वो नहीं चिढ़ते, तो हम कहते थे जंपिंग जैक्स. इसकी वेरिएशन क्या होती है, सिंपल, आप ये करते हो कि एक दफा ये करने के बाद जब वापस आओगे तो कंप्लीट करोगे ये, उनको कहते हैं हम क्लैप करो. मतलब सिंपल ये होता है कि वन और क्लैप, तो बच्चे इस चीज को एंजॉय करते हैं. अभी फुल बॉडी आपकी इन्वॉल्व होगी इस चीज के अंदर. तो बच्चों को आप ये वर्कआउट करा दो, ये हाई नहीं करवा दो कि आप ये चीज करो, फिर स्ट्रेचिंग थोड़ी बहुत जो भी होगी, स्ट्रेच आपने वो करवा दी उनको, वो इस चीज में रिलैक्स हो जाए. लेकिन मेडिटेशन बच्चों को क्या, हर एज के बंदे को करनी चाहिए. बहुत सारी चीजों का क्योर है मेडिटेशन से, मुझे लगता है बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ता है, ज्यादा फोकस्ड भी हो जाते हैं. और ये जो हम बात करते हैं ना कि कहीं दफा एनर्जी नहीं आ रही होती सुबह सुबह, एक्सरसाइज की मोटिवेशन कैसे आएगी, आप मेडिटेट करके देखें. वो जो आपको मैकेनिज्म आपका कह रहा होता है ना, कई दफा आप जब कोई चीज सही भी करने वाले होते हैं, हमें आदत है अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव होने की, तो आपका एक मैकेनिज्म आपको डिफेंसिव होके कहेगा कि आपने काम नहीं करना. आपने उस चीज को हराना है, आपको कंट्रोल करना है. जैसा ब्रेन की एक बात हो रही थी ना, तो ब्रेन का खुद कोई ब्रेन नहीं है, लेकिन हाँ वो एक पावरफुल टूल है आपका, मगर आपको उसको कंट्रोल करना है. तो जब जिस दिन आप उसको कंट्रोल करेंगे आप एक्सरसाइज भी करेंगे. तो जंपिंग जैक्स, चेयर के साथ वर्कआउट, चाहे वो कुछ भी हो. अब चेयर के साथ अगर आप चाहो ना, इस जगह पे खड़े होके आप पुशअप्स वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम उस तरह फिर भी इजी बताऊंगी उन लोगों के लिए जिनके बाजू में इतनी स्ट्रेंथनिंग नहीं है. आपने सिर्फ पुशअप का पोस्चर यहाँ पर बनाना है ये, और खड़े हो जाएंगे. क्यों, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास शायद चेयर इतनी सही ना हो तो वो प्रॉब्लम होगी, आपने उसका ध्यान रखना, बैलेंस रखना. पुशअप्स करें, चेयर के साथ वर्कआउट करें, क्रिस्टल के साथ मेडिटेशन करें, और अपनी लाइफ में खुश रहें. खुश रहें और दूसरों को रहने भी दें. और जो चीज आपको जिंदगी में चाहिए होती है वो आपको बांटनी होती है, आपको खुशी चाहिए, दूसरों को खुश रहने दें. तो थोड़ा सा
तो ये होता है। थैंक यू वेरी मच सराफे, सुबह सुबह इतनी जबरदस्त किस्म की टिप्स हमें बताने के लिए। जनाब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमें और भी मेहमान हमें ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर।